मैं राजबहादुर यादव रिजल्ट मित्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तेजी से के साथ अपने साथियों को जोड़ लीजिए भाई। एक टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, दूसरे टॉपिक में एक लेक्चर हो गया है। उस लेक्चर को आपने देखा होगा, बहुत शानदार लेक्चर था मेरे बच्चों। वो कमेंट करके आप बताओगे कि आपको क्या नई नई चीजें सीखने को मिली हैं भाई। तो चलिए उसी क्रम में, नया सीखने के क्रम में अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आज का जो हम लोगों का पॉइंट होने जा रहा है वो संधि के भेद पे हम लोग रुके हुए थे, संधि के प्रकार पे रुके हुए थे या संधि के भेद पे रुके हुए थे, उसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते थे, होते हैं, इसके विषय में हमने आपको बता दिया था और फिर से उसी को रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनका भी भला हो जाएगा। आपको हमने बताया था स्वर संधि, कौन सी संधि बताया था भाई, स्वर संधि बताया था, और दूसरी संधि कौन सी बताया था आपको, मैंने व्यंजन संधि बताया था, और तीसरी संधि का नाम हमने क्या बताया था आपको भाई, तो आप विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के आपके तीन भेद हैं। कितने भेद भाई, तो तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न यहां आता है, स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, और व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, और विसर्ग को और किस नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है। तो मेरे बच्चों का आंसर होगा स्वर संधि को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं भाई, अच संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अच एक प्रत्याहार है, इसमें सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, हल संधि कहते हैं। इसे हल संधि कहते क्यों है, इसे हल संधि कहते क्यों है, तो हल संधि, हल एक प्रत्याहार है, इस हल में सभी आपके व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इसको हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। अगले पॉइंट पे, स्वर संधि में होता क्या है, अगला प्रश्न आपका आता है, स्वर संधि में होता क्या है, तो बेटा याद रखिएगा, आपस में दो स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है, दो स्वरों का मेल होता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी आपका क्या मिले, स्वर मिले, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आपको क्या मिले, स्वर मिले, तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे स्वर संधि होगी। आओ इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं मेरे दोस्त। ये देखो आपके बोर्ड पे लिखा गया है एक शब्द शरण और दूसरा लिखा गया है आलय। भाई आपने कहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों क्या मिलना चाहिए आपको, स्वर मिलना चाहिए। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पे होगा क्या, अगर इस शरण शब्द को हम तोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा, शरण मिल जाएगा, शरण में आ मिल जाएगा, और अगर हम आलय शब्द को तोड़ें हमें पहले आ मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, लय मिल जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्त, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल गया, जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल गया और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल गया, ये दोनों आपको आ और दीर्घ आ मिले, ये दोनों क्या हैं मेरे बच्चे, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, तो आप बताएंगे दोनों स्वर हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर मिला है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे स्वर संधि होगी। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जो हमारा शब्द निर्मित होगा वो शब्द बनेगा क्या, तो मेरे बच्चों आप बताओगे शरणालय बनेगा, क्या बनेगा भाई, शरणालय बनेगा। दूसरे पॉइंट पे व्यंजन संधि आपने लिखा है, व्यंजन संधि को हम किस नाम से जान रहे हैं भाई, और हल के नाम से। व्यंजन संधि की जो शर्त होती है
पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलना चाहिए, तो आप बताएंगे व्यंजन। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिलना चाहिए, तो आपका आंसर होगा व्यंजन। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होगा दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर होगा मेरे बच्चों, या तो व्यंजन होगा। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई हो गई है भाई, कंडीशन अप्लाई क्या हो गई है, पहले शब्द में तो आपको व्यंजन चाहिए ही चाहिए हर हाल में, और दूसरे जो शब्द का पहला वर्ण होगा वहां या तो स्वर मिल जाएगा तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन मिल जाएगा तब भी आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आओ देखते हैं इस पे एग्जांपल भाई, यहां लिखा गया है आपके बोर्ड पे एक शब्द लिखा गया है मेरे दोस्त दिक, और दूसरा शब्द लिखा गया है गज। क्या लिखा गया है, गज। एक शब्द आपका बोर्ड पे वाक है, दूसरा शब्द क्या है, ईश। जरा ध्यान से देख लो भैया, पहला दिक धन गज दिया गया है, दूसरा वाक धन ईश दिया गया है। अब यहां क जो लिखा है आपने, क में हलंत लगा है, जब हलंत लगा होता है तो वर्ण कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे व्यंजन। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ग भी आपका क्या है मेरे बच्चे, तो आप बताएंगे व्यंजन। तो यहाँ पे दोनों क्या मिले, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन, अगर ये दोनों का योग हो रहा है तो आपकी संधि क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब देखो भाई यहाँ वाक धन ईश लिखा गया है, क में आपके क्या लगा है, हलंत लगा है, लगा है ना भाई, का में हलंत लगा है तो क्या है आपका, तो आप बताएंगे ये व्यंजन है। क्या है भैया, व्यंजन है। और ई आपका क्या है, तो आपका आंसर होगा ये तो स्वर है। अब यहां व्यंजन के बाद क्या आया है भाई, तो आप बताएंगे व्यंजन के बाद स्वर आया है। तो यहां देखो भाई व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, व्यंजन संधि होगी ना, होगी ना, हाँ भाई होगी। तो भैया यहाँ देख लो दोनों का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। अगले पॉइंट पे क्या दिया गया है भाई, अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो विसर्ग संधि का देखेंगे, किसका देखेंगे मेरे बच्चे, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, तो जरा यहाँ ध्यान से आंसर कर दो भाई, विसर्ग संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या चाहिए आपको, तो आप बताएंगे विसर्ग चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या चाहिए, तो आपका आंसर होगा विसर्ग। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या चाहिए, तो आपका आंसर होगा या तो स्वर हो भाई या व्यंजन हो। अब यहां भी कंडीशन अप्लाई है आपकी भाई, पहले शब्द के अंत में आपको हर हाल में क्या चाहिए, विसर्ग चाहिए। तो विसर्ग का चिन्ह मेरे बच्चों आपको पता है, विसर्ग का चिन्ह आपको पता है भाई, जल्दी से आंसर करके बताएं, विसर्ग का चिन्ह हमारे बच्चों को पता है, ये विसर्ग का चिन्ह इस तरह से होता है, आपको वर्णमाला क्लास में पढ़ाया हूं। अब देखो भाई हमने पहला शब्द लिखा है आपके बोर्ड पे मन धन विकार, क्या लिखा है मेरे बच्चों, मन धन विकार। और एक शब्द दूसरा लिख दे रहा हूं निह धन इच्छण, क्या लिखा गया, निह धन इच्छण लिखा गया। अब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है मेरे दोस्त उसको जरा देख के बताओ आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में यहां क्या मिलेगा आपको, विसर्ग मिलेगा। पहले शब्द के अंत में क्या मिला आपको, विसर्ग मिला। और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिला, तो आपका आंसर होगा व्यंजन। विसर्ग के बाद क्या आया है भाई, व्यंजन आ गया। विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो आपकी कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे विसर्ग संधि होगी। यहां देखो भैया निह धन इच्छण लिखा गया है, तो पहले आपको क्या मिल जा रहा है, विसर्ग मिल जा रहा है।
और दूसरी तरफ आपको क्या मिल जा रहा है, तो स्वर मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है मेरे दोस्त, स्वर मिल जा रहा है। तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। विसर्ग के बाद अगर स्वर आ जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है, तो आपका आंसर होगा विसर्ग संधि होगी। तो मेरे बच्चों हम उम्मीद करेंगे आपसे कि ये आपका जो संधि का भेद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और यस लिखो, हम लोग आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पे आए। तेजी से आंसर करें भाई। चल अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, स्वर संधि के भेद। किसका भेद, स्वर संधि के भेद। पहले तो हेडिंग बना लो बच्चों स्वर संधि, फिर देखें स्वर संधि। जब आपस में दो समान या असमान, स्वरों का योग होता है, स्वरों का योग होता है, तो उसे स्वर संधि या कोष्टक में लिख लेना मेरे बच्चों। कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, आपको ये पता होना चाहिए स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। किसकी बात किया है भाई यहां पे, या तो समान स्वरों का योग होगा या तो असमान स्वरों का योग होगा। तो एक ऊपर हम लोग देखेंगे उदाहरण, समान स्वर का। किसका देखेंगे भाई, समान स्वर का। और नीचे में हम लोग उदाहरण देखेंगे असमान स्वर का, असमान स्वर का। तो यहां पे दो उदाहरण आपको देखना है, एक समान स्वर का हम लोग देख लेते हैं, एक असमान स्वर का। तो पहला उदाहरण आपके बोर्ड पे, यहां पे लिखा गया है काम, और दूसरे शब्द लिखा गया है, दूसरा शब्द आपके पास आयनी। अगर इस कामायनी शब्द को हम देखें, अगर काम शब्द को हम बनाएंगे तो काम में मा में हलंत लगा देंगे तो इसका हम स्वर बाहर लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आयनी में आ और यनी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, आ और यनी मिल जाएगा। अब देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हरस्वर, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी हरस्वर, और हरस्व हरस्य मिलके किसका निर्माण कर देते हैं मेरे बच्चे, दीर्घ का निर्माण कर देते हैं। तो यहां देखो भैया आ और आ दोनों समान है कि नहीं, आ के बाद अगर आ आए तो आपका समान, ई के बाद अगर ई आए तो आपका समान, ऊ के बाद अगर ऊ आए तो आपका समान, लेकिन अगर आ के बाद ई आ जाए या ऊ आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा। तो आओ असमान का भी एक उदाहरण देख लेते हैं मेरे बच्चे, असमान का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां देखो भाई एक शब्द लिखा गया है रमा और दूसरा शब्द लिखा गया है ईश। क्या लिखा गया है, एक शब्द आपका रमा लिखा गया है, दूसरा शब्द आपका
ईश लिखा गया है। अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण की हम बात करें तो यहां पे अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो भैया आ के बाद ई, ये दोनों क्या हैं, असमान है। क्या है, असमान है। आ के बाद अगर ई आता है तो क्या बन जाता है, तो ए बन जाता है। तो ए असमान स्वरों का योग है, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया था कामधन आयनी में ये समान स्वरों का योग है। लेकिन होगा दोनों जगह कौन सी संधि, स्वर संधि। चाहे समान स्वर मिले चाहे असमान स्वर मिले, दोनों बनेंगे कौन सी संधि, तो आप बताएंगे स्वर संधि। काम धन आयनी को जब हम जोड़ के बनाते हैं शब्द, तो मेरे बच्चों ये शब्द हमारा निर्मित होता है कामायनी। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये जयशंकर प्रसाद की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। यहाँ रमाधन ईश को जब हम जोड़ के बनाएंगे तो हमारा शब्द जो निर्मित होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे रमेश होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, रमेश होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए रमेश में कौन सी संधि, तो आपका आंसर होगा स्वर संधि। आपसे पूछ लिया जाए कामायनी में कौन सी संधि होगी, तो आपका आंसर होगा स्वर संधि। हम उम्मीद करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो यस लिखें, हम लोग आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, भाई तेजी से आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जल्दी से आंसर करके बताओ भाई। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग भैया। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे स्वर संधि के भेद। किसके भेद, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, जब हम स्वर संधि के भेद की बात करते हैं मेरे बच्चों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर तेजी से आ जाना चाहिए। आपका आंसर तेजी से आ जाना चाहिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे बच्चे, तो आप बताएंगे स्वर संधि के सर 5 भेद होते हैं। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं कौन कौन से, तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चों स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्वर संधि का भेद होता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है मेरे बच्चों, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। दूसरी संधि कौन सी है, आपका आंसर होगा गुण संधि। कौन सी संधि मेरे बच्चे, गुण संधि। तीसरी संधि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त यण संधि। और चौथी संधि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चों वृद्धि संधि। और पांचवी संधि और अंतिम संधि कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए तेजी से आना चाहिए, तेजी के साथ आना चाहिए। क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आयादि संधि। कौन सी संधि मेरे बच्चों, तो आपका आंसर होगा आयादि संधि। ये आपके किसके भेद मिल गए भैया, स्वर संधि के भेद मिल गए। अब दूसरा प्रश्न, यहां दूसरा प्रश्न जो आता है इनके सूत्र से संबंधित आता है। किससे संबंधित आता है मेरे बच्चों, इनके सूत्र से संबंधित आता है। तो स्वर संधि का अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो हमारे बच्चे आराम से आंसर कर सकें, इसके लिए यहां देखो हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या होता है मेरे दोस्त,
अकह स्वर्णे दीर्घ। तेजी से कमेंट करके बताओ गुण संधि का सूत्र क्या है। तेजी से मेरे बच्चों कमेंट करके बताएं आप गुण संधि का सूत्र क्या होता है। आप बताएंगे इसका सूत्र होता है आद गुण। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका सूत्र होता है आद गुण, या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे आदेन गुण। क्या होता है मेरे बच्चों? आदेन गुण। यण संधि, यण संधि का सूत्र होता है एको यणच। क्या होता है मेरे बच्चों? यण संधि का सूत्र होता है एको यणच। वृद्धि संधि का क्या सूत्र होता है? तो आपका आंसर होगा वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है मेरे बच्चे? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर होगा एचो अय वाया वह। एचो अय वाया वह। ये पांचों संधियों का आपके सामने सूत्र आ गया है। सूत्र के बाद इसके एक एक एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। कितने एग्जाम्पल? एक एक एग्जाम्पल की चर्चा हम यहीं पे कर दे रहे हैं भाई आपके सामने, और इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। यहां देखो एक शब्द आपके बोर्ड पे लिखा गया है रामायण। क्या लिखा गया है? रामायण। यहां पे देखो दूसरा शब्द दूसरे के सामने लिखा गया है सूर्योदय। अपनी नोट्स में नोट कर लेना बच्चों। तीसरा शब्द क्या लिखा गया है? तो आप बताएंगे अध्ययन। एक किस संधि का उदाहरण है? तो आप बताएंगे यण संधि का। वृद्धि संधि के सामने आपको देखने को मिल रहा होगा प्रियसी, और अयादि संधि के सामने आपको देखने को मिल रहा है नयन। अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया रामायण में कौन सी संधि होती है, तो आप बताएंगे दीर्घ संधि होती है। क्या होती है भाई? दीर्घ संधि होती है। इसका विच्छेद क्या होता है? तो आपका आंसर होगा राम धन अयन। क्या होगा मेरे बच्चों? राम धन अयन। सूर्योदय का अगर विच्छेद कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे सूर्य धन उदय। क्या होगा? सूर्य धन उदय। अगर आपसे अध्ययन का कोई विच्छेद पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो आप बताएंगे अधिधन अयन। क्या होगा मेरे बच्चे? अधिधन अयन। अगर प्रियसी का कोई आपसे विच्छेद पूछेगा तो आपका आंसर होगा प्रिय धन एसी। आपसे नयन का कोई विच्छेद अगर पूछ ले तो आप बता देंगे निधन अन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो आपके स्वर संधि के भेद थे। स्वर संधि के भेद के साथ साथ हमने आपको क्या दिया है? स्वर संधि के भेद के साथ उसका सूत्र दिया है, उसके साथ साथ आपको एक एक उदाहरण दिया है, और उन उदाहरणों का विच्छेद भी आपके बोर्ड पे लिखा दिया है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संधि आज के डेट में हम लोग शुरू करेंगे। अब जिस संधि के विषय में आप कह दो, उस संधि को हम पहले शुरू करें। तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस संधि को मेरे बच्चे? अयादि संधि। कौन सी संधि देखेंगे? अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा अयादि संधि का सूत्र होता है एचो आय वाया वह। अयादि संधि का सूत्र क्या मिला मेरे बच्चे?
एचो आय वाया वह। अगर हम इस एचो आय वाया वह शब्द को तोड़ने का प्रयास करें तो हमें यहां क्या मिल जाएगा, तो एक तो एच प्रत्याहार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एच प्रत्याहार मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें भाई? असमान स्वर मिलेगा। असमान स्वर के बाद, एच प्रत्याहार के बाद क्या मिल गया? असमान स्वर मिल गया। फिर क्या मिल जाएगा? यहां देखो, आय वाया वह मिल जाएगा। ये आपका किसका, किसको तोड़ के आपने निकाला है? आयादि संधि का जो सूत्र है, मतलब मेरे बच्चों क्या है, जो सूत्र है, इस सूत्र को हमने तोड़ा है। आयादि संधि की किसको तोड़ा है तो आप बताएंगे, आयादि संधि का जो सूत्र लिखा गया है हमारा एचो ए वाया वह, उसी सूत्र को हम लोगों ने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रश्न ये आता है कि इस एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार में याद रखिएगा, ए आता है, ओ आता है, ऐ आता है और औ आता है। ये चार स्वर आते हैं मेरे बच्चों। कितने स्वर आते हैं एच प्रत्याहार में? ए, ओ, ऐ और औ आता है। इसके बाद हमारी किसकी बात हो रही भाई? असमान स्वर की। किसकी बात? आप बताएंगे, असमान स्वर की बात। एच प्रत्याहार के बाद असमान स्वर। अब देखो यहां अगर हम जोड़ेंगे बेटा, तो पहला वर्ण यही लिखा गया है यहां, इसका उच्चारण क्या करते हैं आप? आ करते हैं। क्या करते हैं? आ करते हैं। आ का ये पूर्व रूप है। क्या है? आ का ये पूर्व रूप है। आ के बाद आपके पास क्या है? तो आपका आंसर होगा या में अगर हम हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर से आ मिल जाएगा। फिर क्या है आपके पास? तो आप बताएंगे वह है। वह में हम हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दीर्घ आ मिलेगा। फिर क्या है? या है। या में हम हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दीर्घ आ मिलेगा। फिर क्या है मेरे बच्चों? तो आप देख के बताओ वह है। ये किसका वर्ण विच्छेद है? तो अय वाया वह का। किसका है? अय वाया वह का। जब हम इसका विच्छेद कर लेंगे तो इसमें से आपको क्या करना है, दो दो वर्णों को जोड़ देना है। आए यहां के क्या मिल जाएगा? आओ। यहां क्या मिल जाएगा? आए। यहां क्या मिल जाएगा? आओ। क्या मिला मेरे बच्चों? आपको आए मिल गया, आओ मिल गया, आए मिल गया और आओ मिल गया। ये आपको किसके बाद मिल रहे हैं? इसी सूत्र से मिल रहे हैं। अब देखो, ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे हमें किसका आदेश कर देंगे? आय का आदेश हो जाएगा। ओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पे किसका आदेश हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा आओ का आदेश हो जाएगा। और आय के बाद अगर असमान स्वर आता है तो आय के स्थान पे किसका आदेश हो जाएगा? आय का आदेश हो जाएगा। और औ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो इस औ के स्थान पे किसका आदेश हो जाएगा? आओ का आदेश हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी आयादि संधि के सूत्र से हमने ये नियम निकाला है। अगर आपको समझ में आ गई मेरे दोस्त तो हम लोग आगे बढ़ें। समझ में आ गई है, आप इसको अगर बना चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं क्या मिलने वाला है। अगर हम इसी की परिभाषा की बात कर लें, आयादि संधि की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, आयादि संधि की यहां पे परिभाषा क्या मिलेगी? आप बताएंगे ए, ओ, आए, आओ, ए, ओ, आए, आओ के बाद
के बाद असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो, आए तो ए ओ आए आओ, ए ओ आए आओ के स्थान पर, के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः आय, आव, आय, आव हो जाता है, हो जाता है। ये तो आपकी परिभाषा मिल गई मेरे बच्चों। आइए एक उदाहरण देखते हैं इस पर आधारित। क्या देखते हैं? एक उदाहरण देखते हैं। जैसे, जैसे कि हम बात करते हैं तो यहां आपके बोर्ड पे हमने एक शब्द लिख दिया है नयन। बहुत सारे बच्चों को इसका विच्छेद तो मुंह जबानी याद होगा, बहुत सारे बच्चों को इसका मुंह विच्छेद क्या होगा? मुंह जबानी याद होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका विच्छेद याद नहीं। जिनको याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनको अगर जब कठिन शब्द दे दिया जाएगा तब उनके लिए दिक्कत होगी। क्या होगी मेरे बच्चों? तब उनके लिए दिक्कत होगी। पहले इस सरल से प्रश्न का उत्तर निकालते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कठिन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले सरल से शुरुआत करते हैं, फिर कठिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर हम आपसे कहें इस शब्द का आप वर्ण विच्छेद कर दो, वर्ण विच्छेद से आशय है स्वर और व्यंजन को अलग करा दो। क्या अलग कराएंगे? स्वर और व्यंजन को अलग कराएंगे। तो यहां देखो नयन है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बोलो जल्दी से। ना मिलेगा। अगर इस ना में हम हलंत लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका स्वर बाहर लिख देंगे आप, फिर क्या है आप बताएंगे? या है। या में हलंत लगाओगे तो क्या पाओगे आप? फिर क्या है मेरे बच्चे? ना, ना में हलंत लगाया आपको क्या मिल गया? आ मिल गया। इन नयन शब्द का पूर्णतः वर्ण विच्छेद हो गया है। क्या हो गया है? वर्ण विच्छेद हो गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये क्या करा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे ये आसान सा नियम आपको बता रहे हैं। अब देखो आपको इन नीचे के चार शब्दों में से खोजना है, आय, आव, आय और आओ। इसमें आपको खोजना है कहीं दिख रहा है क्या? तो यहां देखो भाई आपको आय दिख रहा है। आय हम किसके स्थान पे पाते हैं मेरे बच्चे? तो आय हम ए के स्थान पे पाते हैं। इन दोनों वर्णों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अब देखो यहां ए के बाद क्या लगाओगे? धन का चिन्ह। आ को जोड़ोगे, इस ना का हलन समाप्त हो जाएगा। इधर बॉक्स से इधर क्या मिल गया आपको? अन मिल गया है। अब यहां पे ए है और यहां पे ना में हलंत लगा है। ए की मात्रा अगर ना में जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? नी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ने बन जाएगा। अगर हम विच्छेद की बात करते हैं तो नयन का विच्छेद क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ने धन अन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? ने धन अन होता है। ये किसी भी आप शब्द पे अप्लाई कर लो, किसी भी शब्द पे आप अप्लाई कर लो, हर का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक उदाहरण आपने नयन का देख लिया है। चलिए एक उदाहरण आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यहां पे देखो मेरे दोस्त लिखा गया है पवन। क्या लिखा गया है? पवन। अब इससे कठिन थोड़ा सा उदाहरण अगर हम दे दें आपको, तो आपको दे दिया है द्वावर। अब थोड़ा सा और कठिन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, हमने आपको उदाहरण दे दिया है विधायक।
अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्ण विच्छेद करना होगा आपको, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे तेजी के साथ कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या मिला है, वाह, वाह में हलंत लगाया आपको क्या मिल गया, आ, फिर क्या है, वाह, वाह में हलंत लगाया क्या मिला, आ, फिर क्या है, ना, ना में हलंत लगाया क्या मिला, आ, मिल गया। ये पवन शब्द का विच्छेद हो गया। किसका विच्छेद हो गया भाई, पवन शब्द का विच्छेद हो गया। हमने आपको बताया था आपको खोजना क्या है, नीचे के चार शब्द खोजने हैं, आए, आओ, आए, आओ। यहाँ देखो भाई आपको क्या मिल रहा है, आओ मिल रहा है। आओ किसके स्थान पे पाते हैं मेरे बच्चे, तो आप बताएंगे ओ के स्थान पे। किसके स्थान पे भाई, ओ के स्थान पे। पीछे से जोड़ो, आ को जोड़ोगे ना का हलन समाप्त, गोले से इधर क्या मिला, अन मिला। क्या मिला मेरे दोस्त, अन मिला। ओ की मात्रा पा में जोड़ोगे, पा का हलन समाप्त हो जाएगा, मिल जाएगा पो। पवन का विच्छेद क्या होता है, आप बताएंगे पोधन अन होता है। क्या होता है मेरे भाई, पोधन अन होता है। किसका विच्छेद, पवन का। अगला शब्द लिखा गया है द्वावप। क्या लिखा गया है, द्वावप लिखा गया है। अगर द्वावप के विच्छेद की हम बात करें, किसकी बात करें, द्वावप के विच्छेद की बात करें, इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, दा मिलेगा। दा में कौन सा वर्ण है, वा है। वा में हलंत लगाओगे क्या पा जाओगे, आप आ जाओगे। फिर क्या है, तो आप बताएंगे वा है सर। फिर क्या है, आ है। फिर क्या है, पा है। पा में कौन सा स्वर है, तो आपका आंसर होगा ई, छोटी ई है, तो छोटी ई लिख दिया। अब इसमें भी आपको चार शब्दों में से वो शब्द खोजना है मेरे बच्चे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आओ मिल जाएगा। आओ किसके स्थान पे आप पाते हो, तो आप बताओगे आओ के स्थान पे पाते हो। किसके स्थान पे भाई, आओ के स्थान पे। पीछे से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें, आ को जोड़ेंगे, पा का हलन समाप्त हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा पी। आ और पी को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा अपी। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, आ और पा को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा अपी। अब यहां पे देखो, दा और वाह जोड़ेंगे तो द्वा बन जाएगा, औ की मात्रा जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, द्वौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्वौ बन जाएगा, द्वौधन अपि। द्वावप का विच्छेद क्या होता है, आप बताएंगे द्वौधन अपि होता है। अगला शब्द आपके बोर्ड पे विधायक लिखा गया है, अगर इसका एक एक वर्ण में विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वा मिलेगा। वा में किसकी मात्रा, ई। फिर क्या है, धा। धा में कौन सा स्वर, आ। फिर क्या है, या। या में कौन सा स्वर, आ। फिर क्या है भाई, का। का में हलंत लगाओगे आपको आ। ये विधायक का वर्ण विच्छेद हो गया। अब विधायक का वर्ण विच्छेद हो गया तो यहाँ भी वही खोज लो भाई, यहाँ पे आपको क्या मिला, तो मेरे दोस्त आए मिलेगा, मिलेगा ना। आपको जोड़ो पीछे से, आ को जब हम पीछे से जोड़ेंगे मेरे बच्चे, यहाँ आ को जोड़ेंगे का हलन समाप्त हो जाएगा, इधर क्या मिल गया, बॉक्स के बाहर आपके पास अक मिल गया। धन का चिन्ह लगाओ, आय किसके स्थान पे पाते हो, तो आप बताओगे आय के स्थान पे। आय की मात्रा धा में जोड़ोगे, ये आपका क्या बन जाएगा, धाय बन जाएगा। ई की मात्रा वा में जोड़ोगे, ये क्या बन जाएगा, विधाय बन जाएगा। विधायक का विच्छेद क्या होता है, तो आपका आंसर होगा विधाय धन अक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, विधाय धन अक होता है। हमने चारों पर आधारित आपको चार प्रश्न करा दिए, चार नियम वहां पे आपके लागू हो रहे हैं, चारों पे आपको हमने चार प्रश्न करा दिया है मेरे बच्चे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, हम प्रश्न देते जाते हैं, आप जल्दी जल्दी इनका आंसर करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। अगला शब्द आपका है चयन, शयन, भवन, श्रवण, हवन, पवित्र। इन शब्दों का जल्दी से आपको विच्छेद करके बताना है।
तेजी के साथ आपको इसका विच्छेद करके बताना है। गायक, नायक, दायक, सहायक, विधायिका, गायिका, नायिका, धाविका, इन शब्दों का तेजी से आपको विच्छेद करके बताना है मेरे बच्चों। तो अब देखते हैं कितनी बच्चों का सही सही विच्छेद आता है। तेजी के साथ एक एक वर्ड में तोड़ेंगे, जैसे ही एक एक वर्ड में तोड़ेंगे आपका विच्छेद आपके सामने होगा। जितनी तेजी के साथ आप इन शब्दों को तोड़ेंगे उतनी ही तेजी के साथ आपके इन शब्दों का विच्छेद आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास टोटल 6 शब्द पहले स्लाइड पे हैं। छह शब्द आपके पहले स्लाइड पे हैं। हम उम्मीद करेंगे हमारे सारे बच्चे जल्दी के साथ इसको तोड़ते हुए बताएंगे। अब देखो भाई, अगर हम चयन शब्द को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, चयन शब्द को एक एक वर्ड में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले चा मिलेगा, चा में हलंत लगाओगे आप आ जाओगे। फिर क्या है, या है, या में हलंत लगाओगे आपको आ मिल जाएगा। फिर क्या है, ना है, ना में हलंत लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। इसमें देखो क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है। तो आय के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे, इस आय के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। तो आय के स्थान पे आप ए लिख सकते हो, इस आय के स्थान पे क्या लिख सकते हो, तो आपका आंसर होगा हम ए लिख सकते हैं। पीछे से जोड़ोगे, आ को जोड़ोगे, ना का हलन समाप्त हो जाएगा तो इस शब्द मिल जाएगा आपको अन, और ए की मात्रा च में जोड़ देंगे तो हमें शब्द क्या मिल जाएगा, चे। तो चयन का विच्छेद क्या होता है, तो आपका आंसर होगा चेधन अन। क्या होगा मेरे बच्चे, चेधन अन। अगला शब्द आपके स्क्रीन पे है शयन। शयन का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं भाई, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो सबसे पहला वर्ण आपको क्या मिलेगा, श मिलेगा। श में कौन सा स्वर, आ है। फिर क्या है, या है, या में हलंत लगाएंगे आ मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा मेरे बच्चे, ना मिलेगा, ना में हलंत लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। अब यहाँ देख के बताओ मेरे बच्चों, यहाँ देख के बताओ क्या मिल रहा है, तो आप बताएंगे आय मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है। आय किसके स्थान पे पाते हैं, तो आपका आंसर होगा ए के। पीछे से जोड़ोगे, आ को जोड़ोगे, ना का हलन समाप्त, इधर क्या मिल गया आपको, अन मिल गया। क्या मिल गया मेरे बच्चे, अन मिल गया। ए की मात्रा श में लगा दो आपको क्या मिल जाएगा, से मिल जाएगा। शयन का विच्छेद क्या होता है, से धन अन होता है। इसी तरह से अगर हम भवन पे आते हैं, किस पे आते हैं मेरे बच्चे, भवन पे आते हैं। भवन का जब हम विच्छेद करेंगे सबसे पहले हमको भा मिलेगा, भा में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। फिर कौन सा वर्ण मिलेगा, वा मिलेगा, वा में क्या पाएंगे, आ पाएंगे। फिर क्या है, ना, ना में हलंत लगाया आपने, आ मिल गया आपको। क्या मिल गया भाई, आ मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, आप बताएंगे यहाँ पे आओ मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे बच्चे, आओ मिल रहा है। आओ किसके स्थान पे पाते हैं हम, आप बताएंगे ओ के स्थान पे। अब देखो आपको ना में जोड़ोगे तो इधर भी आपको क्या मिल जाएगा, अन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अन मिल जाएगा। ओ की मात्रा भा में जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भो मिल जाएगा। भवन का विच्छेद क्या होता है, तो आपका आंसर होगा भवन का विच्छेद सर भोधन अन होता है। क्या होता है भाई, भोधन अन होता है। इसी तरह से अगर हम श्रवण शब्द को, श्रवण शब्द को तोड़ेंगे, क्या लिखा है, श्रवण शब्द लिखा है। श्रवण शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आप बताएंगे यहाँ तालव्य श है। श और र से मिलके स्रा बनता है, और यहाँ पे आ भी आपका साथ में है। श र आ, ये क्या बन गया, स्रा बन गया। फिर इसके बाद क्या है, वहां पे देख के बताओ, वाह वाह में हलंत लगाओगे क्या मिलेगा, आ मिलेगा। फिर क्या है, अड़ा है मेरे बच्चे, अड़ा में हलंत लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पा रहे हो आप, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा नियम आपको मिल रहा होगा।
ये देखो औ मिल रहा है, औ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा औ के स्थान पे हम ओ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ओ लिख सकते हैं, पीछे से जोड़ोगे ये अड़ बन जाएगा, अड़ बनता नहीं, इस ड़ा के स्थान पे ना में परिवर्तन हो जाएगा, ड़ा किस में परिवर्तित हो जाएगा ना में, अड़ कोई शब्द नहीं होता तो ड़ा ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका शब्द क्या मिला अन मिला, बॉक्स से इधर अन मिल गया, श और रा मिलके श्रा बन जाएगा, ओ की मात्रा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा श्रो बन जाएगा, श्रवण का विच्छेद क्या होता है तो आपका आंसर होगा श्रोधन अन होता है। अगला शब्द आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे मेरे बच्चे, क्या है तो आप बताएंगे हवन है, क्या है हवन है, तो हवन को हम लोग नीचे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई, तो हवन को हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले पवित्र को देख लेते हैं, किसे देख लेते हैं भाई, पहले हम पवित्र शब्द को देख लेते हैं, तो पवित्र शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें पा मिलेगा, पा में कौन सा स्वर है आप बताएंगे वा है, फिर क्या है आ के बाद क्या है वा है, वा में कौन सा स्वर है ई है, फिर क्या है ता और र से मिलके आपका क्या बना है त्र बनता है, ये पवित्र शब्द आपका पूर्णतः टूट गया। अब यहाँ पे क्या पाया आपने भाई, तो आपका आंसर होगा यहाँ भी हमें औ मिल रहा है सर, औ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, पीछे से जोड़ो आ को जोड़ोगे रा हो जाएगा, ता और रा मिलके संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ाया था त्र हो जाता है, ई को जोड़ दोगे आपका शब्द क्या बन जाएगा, ई को जोड़ दोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा तो इत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे बच्चों इत्र बन जाएगा। अब देखो भाई यहाँ ओ की मात्रा है पा में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा पो हो जाएगा, पवित्र का विच्छेद क्या होता है पोधन इत्र होता है। अगला शब्द आपके बोर्ड पे है हवन, क्या है भाई हवन, क्या है तो आप बताएंगे हवन है, अब हवन का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे आपको क्या मिलने वाला है ह हलंत आ, फिर क्या है व हलंत आ, फिर क्या है न हलंत आ, ये आपका पूरा वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह से देख लो आप भैया, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है औ मिल रहा है, औ के स्थान पे हम क्या लिखते हैं वो लिखते हैं, आ को जोड़ोगे ना हो जाएगा यहाँ हलन समाप्त होके, ये शब्द बन जाएगा इधर गोले से पहले अन, इधर क्या मिल जाएगा ओ की मात्रा हा पे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, हवन का विच्छेद क्या होता है वो धन अन होता है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को इस संधि समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है मेरे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़े मेरे बच्चों, चलिए अगला जो प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं इनमें से जल्दी से आंसर करके बताएं आप लोग, गायक का विच्छेद क्या हो जाएगा, गायक का विच्छेद क्या हो जाएगा, तेजी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, गायक का विच्छेद क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे गायक शब्द जो लिखा गया है इसका विच्छेद क्या होगा तो आप बताएंगे गय धन अक होगा, क्या होगा गय धन अक होगा। अब इसको दूसरा तरीका यहां इसका दिखा दे रहे हैं हम आपको, यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला भाई आय मिला, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला आ मिला, तो आय के स्थान पे क्या हो जाएगा आप बताएंगे आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। अगला शब्द नायक लिखा गया है मेरे बच्चे, नायक का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आप बताएंगे नय मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा अक मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लो भैया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आय मिला, बाद में आपका आ मिला, तो आय के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आय के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं तो आप बताएंगे हम आय के स्थान पे आय लिख सकते हैं, आय लिखेंगे तो किस संधि में लिखेंगे भाई आयादि संधि में। अगला शब्द है आपके बोर्ड पे दायक, क्या है भैया दायक, दायक का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दय मिलेगा, दय में और क्या मिल जाएगा अक मिल जाएगा। अब देखो भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ भी क्या मिला आय मिला, फिर क्या है
आ है, आय के स्थान पे यहां भी क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगला शब्द क्या है, सहायक। सहायक शब्द को जब हम तोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, एक शब्द मिलेगा सय और दूसरा क्या मिलेगा, अक मिलेगा, क्या मिलेगा, अक मिलेगा। अब पहले शब्द के अंत में क्या मिला, आय मिला, बाद में क्या मिला, आ मिला, दोनों मिलके क्या, आय के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगला शब्द है विधायिका, क्या है मेरे बच्चे, विधायिका। अगर हम विधायिका शब्द को तोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे एक शब्द हमें विधेय मिलेगा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा, इका मिलेगा। क्या मिला, विधेय धन इका मिला। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई मिल रहा है, तो आय के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आय हो जाएगा। किस संधि में मिला है भाई, विधायिका में। अब अगले पॉइंट पे गायिका लिखा गया है, गायिका का जब हम विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गय धन इका मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, गय धन इका मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, आय मिला, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। आय के बाद ई आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगला शब्द आपके बोर्ड पे नायिका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, नायिका लिखा गया है। अगर इस नायिका का विच्छेद करेंगे हम तो हमको मिलेगा नय धन इका। क्या मिलेगा मेरे बच्चों, नय धन इका। पहले शब्द के अंत में क्या आया, आप बताएंगे आय आया, दूसरे शब्द के पूर्व में ई आया, तो आय के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा आय के स्थान पे आय होता है। अगला शब्द है धाविका, क्या है मेरे बच्चों, धाविका। जब हम धाविका का विच्छेद करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो आपका आंसर होगा धव धन इका। क्या मिलेगा, धव धन इका। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, पहले शब्द के अंत में औ मिल गया और ई के इधर इका मिल, ई मिल गया है। औ के स्थान पे क्या होता है, तो आपका आंसर होगा औ के स्थान पे आओ होता है। क्या होता है भाई, औ के स्थान पे आओ होता है। तो ये तो आपके किस संधि के नियम थे मेरे बच्चे, आयादि संधि के। और लास्ट में यहाँ हम कुछ शब्द लिख दे रहे हैं, इसका वर्ण विच्छेद करके या शब्द विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला शब्द आपके बोर्ड पे यहां लिखा है हमने संचयनम, क्या लिखा है मेरे दोस्त, संचयनम। इसका विच्छेद आपको बताना है। दूसरा शब्द हमने लिखा है आपके बोर्ड पे कवय, क्या लिखा है, कवय। और तीसरा शब्द हमने लिखा है आपके बोर्ड पे हरय, इसका आपको क्या बताना है भाई, विच्छेद बताना है। संचयनम, कवय, हरय, श्रावण, श्रावण और भवत, इन पांच शब्दों का विच्छेद आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बताना है। जब आपकी क्लासेस समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका विच्छेद बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप फीडबैक देना ना भूला करें, हमने आपसे कुछ नहीं माना, ना ही मेरा संस्थान कुछ मांगता है, ना ही हमारे संस्थान के डायरेक्टर या ओनर कुछ मांगते हैं, आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के अलावा कुछ मांगा नहीं जाता है। आपको बाकी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं, सारे कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरे बच्चों, आपका भी एक नैतिक दायित्व है कि इतना काम हमारे लिए कर दें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।